हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आपको कन्वर्जन रिएक्शंस अच्छी लग रही हैं और आप हर कन्वर्जन रिएक्शन के थ्रू कुछ 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 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, राइट? सो टुडेज कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेंजाइल अल्कोहल टू टू फिनाइल इथेनोइक एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल नॉट बी एबल टू राइट इट डाउन कि टू फिनाइल इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, राइट? तो ये आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेंजाइल अल्कोहल बहुत फेमस है। बेंजीन बनाइए, उसके ऊपर एक CH2 और एक OH लगाइए, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। अब टू फिनाइल इथेनोइक एसिड में मैं आपको बनाना सिखाता हूं, इसी से आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इथेनोइक एसिड, पहली बात तो इथेनोइक एसिड क्या होता है? CH3COOH, ये होता है इथेनोइक एसिड, ठीक है? अब नंबरिंग अगर मैं करूं तो नंबरिंग 1 एंड 2, तो 2 पोजीशन पे आपको फिनाइल ग्रुप लगाना। अब कार्बन के साथ जो 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इनको 3 की जगह 2 कर देते हैं और इस बेंजीन के साथ, इस कार्बन के साथ एक बेंजीन जोड़ देते हैं, फिनाइल ग्रुप, राइट? आप इसको पीएच भी लिख सकते हो, और अगर आपको पीएच नहीं लिखना है तो आप इस तरीके से रिंग फॉर्मेशन भी यहां पे डाल सकते हो, राइट? सो दिस इज द कन्वर्जन विच वी वॉन्ट टू अचीव। अब यहां पर एक बड़ी खास बात, अगर आप ध्यान से देखो तो बेंजाइल अल्कोहल से टू फिनाइल इथेनोइक एसिड में जाते वक्त मेरा एक कार्बन बढ़ चुका है। अगर आप इस पूरे कंपाउंड को देखो तो इसमें 7 कार्बन है, 6 तो बेंजीन के पास और एक कार्बन इधर, और यहां पे ओवरऑल 8 कार्बन है। तो इसको मैं इन जनरल बोलता हूं स्टेप अप रिएक्शन, कार्बन को बढ़ाना, ठीक है? जैसे कुछ रिएक्शन होती है जो नंबर ऑफ कार्बन को घटाती है, जिनको हम डिग्रेडेशन रिएक्शन बोलते हैं, राइट? तो ये है स्टेप अप रिएक्शन, कार्बन को बढ़ाना, ठीक है? तो कार्बन को बढ़ाने के बहुत तरीके हैं, जैसे ग्रिगनार्ड रिएजेंट में CO2 का एडिशन कर दो, राइट? बहुत सारे तरीके हैं, वो सारे कन्वर्जन्स मैं आपको 1 by 1 सब करवाने वाला हूँ, काफी सारे वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूँ, राइट? बट अब इसको देख के मैं आपको जरा सोचना सिखाता हूँ, क्योंकि सेम क्वेश्चन नहीं आएगा बट सिमिलर क्वेश्चन तो आएगा ना, और किस्मत अच्छी रही तो सेम क्वेश्चन भी आ सकता है, हू नोस। बट अगर सिमिलर क्वेश्चन भी आए तो आपको कैसे सोचना, तो मेरा फेवरेट एग्जाम्पल वो है जो मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं, वो एक रैट और एक मेज वाली जो चीज होती है ना। तो अब आप जरा सोचो, ये कंपाउंड आपको बनाना है, आप कैसे बना सकते हो? तो मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है, अगर मेरे पास एक कंपाउंड होता जो होता CH2 साइनाइड, मान लो, राइट, साइनाइड ग्रुप अगर होता, तो मैं उसमें पानी और H+ डालता ना, तो ये साइनाइड ग्रुप वुड हैव कन्वर्टेड इनटू COOH ग्रुप। तो ये पहली रिएक्शन आप याद कर लो, इस कन्वर्जन के थ्रू एक छोटी रिएक्शन जो हमको याद करनी है वो ये है कि अगर आपने, आपके पास RCN है और आपने उसमें H+ और वाटर डाला, सो दैट साइनाइड कन्वर्ट्स इनटू RCOOH, राइट? तो कभी भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो तो आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए, भले आप इसको यूज करो चाहे ना करो। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के कुछ तरीके हैं, जिनमें से एक बड़ा फेमस तरीका है ये वाला, राइट? तो अगर मेरे पास CH2 के ऊपर साइनाइड होता तो मैं पानी डाल के अपना फाइनल प्रोडक्ट बना लेता। अब ये साइनाइड कैसे होता वो देखते हैं। अब अगर मैं आपको बोलूं कि यार मेरे पास ना, 1 सेकेंड, एक कंपाउंड होता अगर जिसमें यहां पे CH2 के साथ Cl लगा होता, राइट? और अगर मैं इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर KCN डाल देता, साइनाइड, तो क्या होता? देखो, ये जो CN- है ना, ये CN- यहां पे अटैक करता, और मैंने आपको पुराने वीडियोस में काफी बार ये बताया दैट क्लोरीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो क्लोरीन तो पहला मौका ढूंढता है भाग जाने का, तो क्लोरीन चला जाता, तो CH2 के साथ हमारा साइनाइड लग जाता। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास बेंजीन के ऊपर CH2Cl होता तो काम हो जाता, तो उसके अंदर में KCN डालता और हो जाता, राइट? तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, साइनाइड आया और Cl गया। और अब मेरा सवाल यह है कि यार मेरे पास तो बेंजाइल अल्कोहल है, मैं इस OH की जगह ये वाला Cl कहां से लाऊं? सो नाउ द गुड न्यूज इज ये काम करना बड़ा आसान है। कैसे? मैंने आपको पुराने वीडियोस में एक चीज बताई हुई है, मैं वापस बता देता हूं।
PClF5 इज अ गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट। क्लोरीनेटिंग एजेंट क्या होता है, जो OH को हटा के सीधा सीधा Cl लगा देता है। तो अगर मैंने बेंजाइल अल्कोहल में PClF5 डाला तो OH की जगह Cl रिप्लेस हो गया। फिर मैंने KCN डाल दिया तो साइनाइड ने क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया। फिर मैंने पानी और H+ डाल दिया तो साइनाइड का बन गया COOH। सो नाउ दीज थ्री स्टेप्स हैव हेल्प्ड अस इन अचीविंग द फाइनल प्रोडक्ट। अंडरस्टूड? तो इस एक छोटे से कन्वर्जन से हमने तीन चीजें देखी। पहली चीज क्लोरीनेटिंग एजेंट PClF5, दूसरी चीज साइनाइड का अटैक एंड क्लोरीन का जाना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और तीसरी चीज अगर आपने साइनाइड में पानी डाला और H+ डाला तो आपको क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। राइट? तो ये कन्वर्जन बड़ी ही अच्छी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके जेई मेंस, नीट, बोर्ड्स, हर जगह के लिए इंपॉर्टेंट। तो द मोर कन्वर्जन यू डू, और जितने ज्यादा स्टेप्स वाली कन्वर्जन हम लोग करेंगे ना, उतना ही आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो मेरा बस एक सिंपल सा आपसे एडवाइस है कि ये जितनी भी कन्वर्जन मैं करा रहा हूं उसको लिखते रहो, रिवाइज करते रहो, एंड आई एश्योर यू कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो जाएगा। राइट? और अगर आपको ये चीजें अच्छी लग रही है तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो, उससे मुझे भी और मोटिवेशन मिलता है कि मैं और वीडियोस बनाऊं। और अपने प्रॉब्लम्स मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, सो दैट आई गेट टू नो कि कौन सी ऐसी स्पेशल चीजें जो आपको प्रॉब्लम दे रही है, एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन देम एज सून एज पॉसिबल। राइट? तो आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कन्वर्जन रिएक्शन में लेके आऊंगा। अभी के लिए बाय बाय।